नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। दूसरे दिन भी हंगामेदार रहा विधानसभा का सत्र। महासभा में विवाद से चर्चा में बिश्नोई समाज। चंडीगढ़ पर पंजाब हरियाणा में टकराव। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की बागियों को दो टुक। हरियाणा में बारातियों ने की फायरिंग, वीडियो सामने आने पर FIR हुई दर्ज। हरियाणा में हाईवे पर रोंग साइड में घुसा ट्रक, 6 लोग कुचले। अलग अलग जगहों पर धुंध की वजह से हुए बड़े हादसे। पंजाब हरियाणा सरकार से सुप्रीम कोर्ट नाराज। वहीं दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों पर बनी सहमति। UPSC ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला लिया वापिस। कुरुक्षेत्र में 22 लाख के फ्रॉड में एजेंट गिरफ्तार। युवक को ऑस्ट्रेलिया भेजने का दिया था झांसा। सिरसा में रिश्वतखोर SI दोषी करार। वहीं इंटरनेट से सीखा बम बनाना। एक बच्चे ने शिक्षिका की कुर्सी पर रखा था बम। राहुल बोले, मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा। वहीं ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की जताई इच्छा। अब देखिए खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही 18 नवंबर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। अब 18 नवंबर को 2 बजे तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी। दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान CM नायब सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। इस दौरान CM ने तंज कसा कि विपक्ष का नेता नहीं बना, ऊपर से लेटर नहीं आया। यह सुनकर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी में जवाब दिया कि बने ना बने तुहानू की। CM ने कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला को भी नसीहत दे डाली कि वह पिता रणदीप सुरजेवाला के पचीनों पर न चले। इससे पहले दादरी से BJP विधायक सुनील सांगवान ने कांग्रेस की हार पर कहा कि कसूर EVM का नहीं, एक भावी मुख्यमंत्री का था जो पूरे हरियाणा में 1000 थानेदार लिए घूम रहा था। पहले तो गुलाबी गैंग थी, लेकिन अब की बार एक नई गैंग आई, किलकीमार गैंग। इस गैंग के 1000 लड़के पूरे हरियाणा में घूम रहे थे। वहीं कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि भाजपा को EVM की पूजा करनी चाहिए, जिसके बाद भाजपा के कई विधायकों ने अपनी सीट से खड़े होकर इस बयान का विरोध किया। इस पर CM नायब सैनी ने कहा कि सदन में चुनाव प्रक्रिया संबंधी विषय नहीं उठाए जाए, यह मेरा सदन से आग्रह है। इस पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि यदि कोई सदस्य इस पर बोलना चाहता है तो नियमों के मुताबिक उसे लिखित रूप में सदन में यह देना होगा। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादयान ने भाजपा सरकार बनने पर कहा कि यह तो समय का फेर है, बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया। वहीं रामकुमार गौतम ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा कि भूपेंद्र हुड्डा अच्छे इंसान है, लेकिन उनकी पार्टी गलत थी और उनके द्वारा जो उनकी सरकार में काम करवाए गए थे उन काम करवाने का नतीजा गलत था। इस दौरान हरियाणा के तमाम विधायकों ने अपनी बात रखी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सरकार के कार्यों को गिनवाया गया और आने वाले समय में सरकार किस प्रकार के काम करेगी उसके बारे में भी बताया गया। बिश्नोई समाज इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इसका बड़ा कारण है पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और बिश्नोई महासभा के प्रधान देवेंद्र के बीच चल रही तनातनी। हाल ही में दोनों ने संगठन में रहते हुए एक दूसरे को अपने अपने पदों से हटा दिया था। वहीं बुधवार को बिश्नोई समाज ने बैठक कर 5 फैसले लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा फैसला महासभा का संरक्षक पद खत्म करना था। इसके साथ ही फैसला लिया गया कि कुलदीप बिश्नोई से बिश्नोई रत्न भी वापस लिया जाएगा। संगठन में चल रहे विवाद के कारण भले ही इस वक्त बिश्नोई समाज सुर्खियों में आ गया हो, लेकिन आपको बता दें कि प्रकृति से प्रेम करने वाला यह समाज वन्य जीवों के लिए त्याग करने के लिए समाज में एक मिसाल माना जाता है। बिश्नोई महिला हिरण के बच्चे को अपना दूध पिलाती है, पेड़ बचाने के लिए वह सिर तक कटा देते हैं। उनके यहाँ शादी में दूल्हा दुल्हन फेरे तक नहीं लेते। हरियाणा की नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने को लेकर घमासान मच गया है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद पंजाब के भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने इसका विरोध जताया है। जाखड़ ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देकर जमीन की अलॉटमेंट रुकवाने की मांग की है। पंजाब की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल ने भी इसका विरोध किया है। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने पंजाब CM भगवंत मान को लेकर कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का तब है जब हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दे दोगे। वहीं हरियाणा से भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि चंडीगढ़ किसी एक की बपौती नहीं,
गई हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 11 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया। हरियाणा को चंडीगढ़ के आईटी पार्क के पास जमीन मिली है। यह एरिया पंचकुला से सटा हुआ है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने पार्टी छोड़ने वाले बागियों को भाजपा में एंट्री से साफ इनकार कर दिया। शुक्रवार को रोहतक पहुंचे बड़ोली ने कहा कि अभी किसी को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। पार्टी के पुराने नेताओं के अलावा दूसरे दलों के नेताओं को भी शामिल नहीं किया जाएगा। बड़ोली ने रोहतक स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में सदस्यता अभियान 2024 की मीटिंग में हिस्सा लिया। उनके साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया व संदीप जोशी तथा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर आदि भी उपस्थित रहे। बड़ोली ने कहा कि पार्टी में पहले साधारण सदस्यता अभियान पूरा होगा, फिर एक्टिव मेंबर बनेंगे, उसके बाद प्रत्येक बूथ की कमेटी का चुनाव होगा, इसके बाद मंडल का चुनाव होगा, फिर जिला और प्रदेश का चुनाव होगा, प्रदेश के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, तब किसी की ज्वाइनिंग का कोई कार्यक्रम तब तक नहीं होगा। मोहनलाल बड़ोली ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के विरोध में काम किया है उन्होंने पार्टी से अपना स्थान तो समय ही खत्म किया है। उनका फीडबैक हमने प्रत्येक विधानसभा से लिया है और सूची तैयार है। भविष्य में जब कोई जिम्मेदारी देने की बात आएगी तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो उस पर जरूर विचार करेगा। भीतरघात करने वालों की सूची तैयार कर ली गई है। हरियाणा के पानीपत में शादी में बाराती इस कदर उत्साहित हुए कि दूल्हे वाले रथ पर चढ़कर फायरिंग कर दी। यही नहीं, बारात में भी कुछ लोग पिस्टल और डोगा यानी कि दोनाली बंदूक लहराते हुए दिखे। इसके बाद उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए, जिसके बाद वीडियो वायरल होकर पुलिस तक पहुंच गए। पुलिस ने फायरिंग करने और हथियार लहराने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। सेक्टर 19 थाना पुलिस को दी शिकायत में एएसआई राजकुमार ने बताया कि वह थाना एरिया में बतौर सिक्योरिटी एजेंट ऐसे मौजूद है। सोशल मीडिया पर मिली वीडियो में कुछ आदमी बारात में डीजे पर नाच रहे हैं। गाँव के काफी लोग भी वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक नाचने वालों में कुछ लड़के अपने हाथ में पिस्टल लेकर हवाई फायर करते दिख रहे। एक लड़का डोगा यानी कि बंदूक हवा में लहरा रहा है। इन्होंने जश्न के माहौल में हवाई फायर कर लोगों में दहशत फैलाई है। उक्त वीडियो की जांच पड़ताल की तो पता लगा कि यह वीडियो 10 नवंबर की है। यह बारात गांव पसीना खुर्द पहुंची थी। इसके बाद गांव में जाकर इसके बारे में पता किया। वहां पता लगा कि पसीना खुर्द के रहने वाले जाकिर के घर में शादी थी। यहां गांव डाडोला के रहने वाले शाहरुख के घर से बारात आई थी। बारात में डाडोला के निवासी गयूर ने पिस्टल से हवाई फायर किया था। बारात में मौजूद अन्य लोगों ने भी सार्वजनिक स्थल पर लोगों के बीच पिस्टल व डोगा बंदूक को हवा में लहराकर फायर किए। इससे लोगों में दहशत फैली। कहीं ना कहीं ये मामला पानीपत में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में सुर्खियों में आया हुआ है। धुंध की वजह से हरियाणा में अलग अलग जगहों पर अनेक हादसे हुए। हरियाणा के पानीपत शहर में गुरुवार को एक ट्रक ने एलिवेटेड हाईवे पर रॉन्ग साइड में घुसकर मौत का तांडव मचाया। बेकाबू ट्रक ने एक के बाद एक तीन अलग अलग जगहों पर 6 लोगों को कुचल डाला। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। धुंध के कारण ही रोहतक में 6 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में 6 लोग घायल। आपस में टकराए वाहनों में एक रोडवेज बस, 2 टैंकर, 1 ट्रक, 1 कार और 1 टेम्पो शामिल है। यह पूरा हादसा रोहतक के मदीना टोल पर हुआ। सबसे पहले ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर हुई थी, जिसके बाद एक एक कर 4 और वाहन दुर्घटना का शिकार हो गए। उधर हिसार के नारनौंद में हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इसमें 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे पर धुंध और स्मॉग के कारण 4 इंटरनेशनल और 10 घरेलू उड़ानें लेट हुई। 2 घरेलू उड़ानें भी रद्द कर दी गई। कहीं ना कहीं धुएं की वजह से, धुंध की वजह से आए दिन बड़े बड़े हादसे देखने व सुनने को मिल रहे हैं। आप भी अगर कहीं सफर कर रहे हैं तो अपने आप को जरूर बचाएं और नियमों का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत पराली जलाने के मामले में CAQM के आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में पंजाब और हरियाणा राज्यों की लापरवाही पर अपनी चिंता जाहिर की। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली NCR में प्रदूषण प्रबंधन से संबंधित MC मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें NCR राज्यों में वाहन प्रदूषण ठोस
अपशिष्ट प्रबंधन और पराली जलाने से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा प्रस्तुत हलफनामे की जांच की, जिसमें खेतों में आग लगाने की घटनाओं की अधिक संख्या का संकेत दिया गया था। न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम की धारा 14 के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में दोनों राज्यों की अनिच्छा पर असंतोष दोहराया। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रोविंशियल सिविल सर्विस पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा अब एक शिफ्ट में होगी। 20,000 छात्रों के आंदोलन के बाद कमीशन को 10 दिन में ही फैसला वापस लेना पड़ा। यूपीपीएससी ने गुरुवार 14 नवंबर को 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस ले लिया। यह फैसला 5 नवंबर को ही लिया गया था। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि एआरओ परीक्षा पर फैसला होने तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। प्रयागराज में यूपीपीएससी ऑफिस के सामने छात्र एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग को लेकर 11 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोग के सचिव अशोक कुमार करीब 4 बजे कार्यालय से कल बाहर आए, हुटिंग होने लगी तो फिर अंदर चले गए, फिर लाउडस्पीकर पर अनाउंस किया यूपीपीएससी एक दिन में प्रारंभिक परीक्षा कराएगा। सिरसा में 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में सेशन कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर अजय कुमार को दोषी करार दिया। सब इंस्पेक्टर अजय कुमार को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। एसआई अजय कुमार सिरसा में सीआईए इंचार्ज थे। दोषी की सजा का फैसला 19 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस समय सिरसा जिला पुलिस के एटीवी स्टाफ का इंचार्ज है। मामले के अनुसार हुड्डा सेक्टर सिरसा निवासी सुखा सिंह ने विजिलेंस निदेशक को दी शिकायत में बताया कि उसका पिता बलदेव सिंह एनडीटीपीएस एक्ट में जिला जेल में है। कोरोना संक्रमण के समय उसके पिता को 42 दिनों की पैरोल मिली थी। हार्ट की बीमारी के कारण उसका पिता तय समय पर वापस जेल नहीं जा पाया। इसके बाद उसके पिता का वारंट जारी हो गया। 15 जून को डबवाली सीआईए इंचार्ज एसआई अजय कुमार उनके घर आया और पिता को पकड़ लिया। उसके बाद अजय कुमार कहने लगा कि पूरे परिवार को धारा 216 में गिरफ्तार करूंगा, अगर बचना है तो 3 लाख रुपए देने होंगे। सुखा ने अजय कुमार को कहा कि इतने रुपए तो उसके पास अभी नहीं है। सुखा ने अजय कुमार को 1 लाख रुपए दे दिए। 5 जुलाई 2021 को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने सीआईए इंचार्ज अजय कुमार को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए सिरसा अनाज मंडी में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महिला अध्यापिका की कुर्सी के नीचे बम फोड़ने के मामले का खुलासा हो गया है। बापोड़ा स्कूल में बम फोड़ने के मामले का आज खुलासा हुआ। 12वीं कक्षा में विज्ञान वर्ग के 13 छात्रों को 7 दिन के लिए स्कूल से निष्कासित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बोले कि अगर ये विद्यार्थी अपने फार्मूले का सही जगह प्रयोग करते तो प्रोत्साहन भी मिलता, लेकिन दुरुपयोग पर सजा मिली है। भिवानी जिले के गांव बापोड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रसायन विषय की शिक्षिका की कुर्सी पर बम फोड़ने के मामले का शिक्षा विभाग ने खुलासा कर दिया। इन छात्रों ने इंटरनेट से बम बनाना सीखा था। एक छात्र ने शिक्षिका की कुर्सी के नीचे बम लगाया तो दूसरे ने रिमोट दबा दिया। इस मामले में विद्यालय के ही 12वीं के विज्ञान संकाय के 13 विद्यार्थियों की संलिप्तता उजागर हुई, इसलिए उन्हें 7 दिन के लिए विद्यालय से निष्कासित करने की सजा दी गई है। राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी संविधान पढ़ा नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि संविधान की लाल किताब खाली है। वे महाराष्ट्र के नंदुरबार में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान संविधान की प्रति दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाजपा को किताब का लाल रंग पसंद नहीं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं कि रंग लाल है या नीला, हम इसे बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा दिखाई जाने वाली लाल किताब को शहरी नक्सलवाद से जोड़ने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने भी 9 नवंबर को तंज किया था कि राहुल गांधी संविधान की जो किताब लेकर घूम रहे हैं उसके पन्ने खाली हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बुधवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के पहले वाशिंगटन डीसी के एक होटल में यह बयान दिया। उनके बयान पर समर्थकों ने खुशी जाहिर की। ट्रंप ने अमेरिकी संसद के निचले सदन के सदस्यों से कहा, मुझे लगता है कि मैं फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आप अगर ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा सोच सकता हूं। अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले वह 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए अमेरिकी संसद और राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रीणा।